कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। परेशानी लेकर जी, मैं तो बहुत ही परेशानी लेकर आया था। मुझे डॉक्टरों ने मना कर दिया था, मतलब क्या ऑपरेशन होगा, सही नहीं हो सकते। अब ये भी सुना कि ऑपरेशन करवा के सही भी तो नहीं हो पाते, बात भी परेशान रहती, फिर बोले खा पे पड़े रहोगे। तो इसलिए मैंने एक दोस्त से राह ली, तो फिर आपका वीडियो पे लड़कियों ने पता निकाला, तो पता निकाला सर्च करी, रात भर बेचारी सोती नहीं थी, उन्होंने फिर आपका पता निकाला, तब लड़की मालूम करके गई आपके धोरे। जब हम आए तो जब से मैं तो पहले दूसरे में ही मतलब दिख गया कि हाँ मैं आराम हो जाएगा, मुझे मैं बहुत सकून हूँ, बहुत सही हूँ, पहले से मैं बहुत सही हूँ, पूरी उम्मीद है मुझे। मैं तो कहता हूँ, मैं तो बल्कि मेरी दुआ ये है हर आदमी आए और जैसे मैं सही होया हूँ वैसे ही सही हो, किसी को परेशानी ना हो। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ओके, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे, छोड़ेंगे। गीला छोड़िए गर्दन बिल्कुल, अब आप करवट लीजिए मेरी तरफ। थोड़ा आगे, पैर ढीले छोड़ेंगे बिल्कुल नीचे, ठीक है, और ये यहाँ पर लगाएंगे, सांस लीजिए, छोड़िए, ओके, सीधे, कोई दिक्कत परेशानी? सांस लो, छोड़ो, ओके, सीधे, बिल्कुल ढीला छोड़िए, फिर ढीला छोड़िए, ढीला, ओके, ढीला छोड़ेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ठीक है, सांस लीजिए, छोड़िए, कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। इधर करवट लेके खड़े हो जाइए आप, वॉक रिकॉर्ड करो इनका, थोड़ा से चल के दिखाओ यहाँ पर दो चार बार, हाय, मैं हूँ डॉक्टर साकिब हसन। आज हमारे साथ अशोक जी हैं जो L4-5, L5-S1 की परेशानी लेकर आए थे। सभी डॉक्टरों ने इनको ऑपरेशन के लिए बोला और सिम्टम्स में इनको कमर के साथ पैरों में दर्द और साथ में इनको नमनेस जा रहा था बहुत ज़्यादा। पेशेंट से जानते हैं, अभी कुछ टाइम ट्रीटमेंट हो गया इनका, क्या कंडीशन लग रही है? अशोक जी जी बताइए, क्या परेशानी लेकर आए थे? जी, मैं तो बहुत ही परेशानी लेकर आया था। मुझे डॉक्टरों ने मना कर दिया था, मतलब क्या ऑपरेशन होगा, सही नहीं हो सकते। अब ये भी सुना कि ऑपरेशन करवा के सही भी तो नहीं हो पाते, बात भी परेशान रहती, फिर बोले खा पे पड़े रहोगे। तो इसलिए मैंने एक दोस्त से राह ली, तो फिर आपका वीडियो पे लड़कियों ने पता निकाला, तो पता निकाला सर्च करी, रात भर बेचारी सोती नहीं थी, उन्होंने फिर आपका पता निकाला, तब लड़की मालूम करके गई आपके धोरे। जब
हम आए तो जब से मैं तो पहले दूसरे में ही मतलब दिख गया कि हाँ मैं आराम हो जाएगा मुझे, मैं बहुत सुकून हूँ, बहुत सही हूँ, पहले से मैं बहुत सही हूँ, पूरी उम्मीद है मुझे। मैं तो कहता हूँ, मैं तो बल्कि मेरी दुआ ये है हर आदमी आए और जैसे मैं सही होया हूँ वैसे ही सही हो, किसी को परेशानी ना हो। बताइए कितने टाइम से दिक्कत थी आपको? ये मुझे अब 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने हो गए जी हाँ। और डॉक्टर भी मैंने बहुत ही मैं डेंटल में सब में देख लिया। हाँ। दवाई से उनको देते थे दवाई पर फायदा कुछ नहीं होता था, कुछ कोई फायदा नहीं हुआ दवाई से। कितने डॉक्टर को दिखा दिया लगभग? करीब 4 डॉक्टर को मैंने दिखा दिया, नस वालों को। अच्छा। अब वैसे डॉक्टर बहुत दिखा, और वैसे छोटे मोटे को तो मैंने बहुत दिखा लिया, और जिस दिन से यहाँ पर आया हूँ उस दिन से मुझे लगा कि मैं सही होऊंगा, सही हो जाऊंगा, और उम्मीद है कि सही होगी। बहुत पांडे जी बताइए जैसे घर पे क्या क्या दिक्कत होती थी? इनके 8 दिन लो तो इनसे रात भर सोए नहीं, हम भी और जगते रहे थे, हम भी रोते रहे थे, और यही कमाने वाले यही है सब कुछ, तुम्हें तो पता ही है। तो लौंडिये भी दो हैं, रोते रहे थे हम। अब वो लौंडिये वो ही देखती रह थी इसमें फोन में ही, जब आपका पता मिला तब बूझ बूझ के आई। अब ठीक है बस ऐसी भाई ठीक हो जावा, सब ठीक होगा, हमारे तो दुआ निकल रही है तुम्हारे लिए, बच्चे के लिए। बहुत ही बाकी इन्होंने सबने ऑपरेशन के लिए बोला। हाँ। सबने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, बोले ऐसे ऑपरेशन होगा जल्दी करा लो, फौरन करा लो, दूसरी टांग भी खराब हो जाएगी, वो भी खराब हो जाएगी, ऐसे मतलब बहुत ही डरा दिया था मुझे। ठीक है, हमारे पास जब आए थे तभी टेढ़े होकर चल रहे थे। हाँ बिल्कुल ऐसे, मतलब सीधा चला ही नहीं जा रहा था, चला ना जा रहा। हाँ अभी कितनी बार बुला लिया हमने लगभग? अभी आज 8 या 9 होगा। आज नमा, आज नमा है, नमा है जी। आज हमें परसेंटेज बताओ कि 100 में से कितना ठीक लग रहा है आप दोनों? 100 में से तो मुझे तो 80-90 लग रहा है, ईमान से 80-90 पूरा बस मतलब ऐसी ठीक हो जामा बस। अब तुम्हें तो पता हमारी हालत कही, मैं तो रोते खड़े हो जाऊं, किसी का दुख भी ना देखा जाता, अपना दुख ही बहुत है, बिल्कुल परेशानी बहुत ज्यादा, क्योंकि आगे ऊपर कोई वो नहीं था ना, बस ये हम ही जो भी है इसलिए ज्यादा परेशान थे, बच्चे को क्या होगा, इसलिए मैं तो बहुत ही दुआ करता हूँ। ये तो रोते रह गए थे पड़े पड़े ही रोते रहे, अब भी चिंता करते हैं बहुत। मेरी ड्यूटी की ज्यादा चिंता होती है, जैसे मान लो प्राइवेट नौकरी है, मान लो 2 महीने मुझे यहाँ घर पे पड़े पड़े हो गए, कहीं वो मना ना कर दें तो कहाँ से, मतलब ये ज्यादा मजबूरी है। जैसे कोई करने वाला लड़का होता तो कोई बात ना, चलो करो जाता, ये ज्यादा परेशानी, तो जल्दी जल्दी सही हो जाऊँ, तो जल्दी जल्दी ड्यूटी चला जाऊँ, बस ये है। जब ये हमारे पास आए थे तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे और इनको बिलीव नहीं हो रहा था कि ठीक होंगे भी, नहीं उम्मीद नहीं हो रही थी मुझे, आपको लग रहा था कि या तो काम हो गया मेरा जी, बड़ा ना मुमकिन है। हाँ बिल्कुल ऐसी लग रहा था, सर यही पहले तो ये सोच रहे बस दर्द कम हो जाए, तो दर्द तो कम हो गया, क्या मैं चलन फिरन लगूं, जैसे जैसे हमारे पास दिन बढ़ते रहे इनकी ख्वाहिशें बढ़ती रही, ख्वाहिशें बढ़ती रही, सही बात है बिल्कुल, आके अब ऐसा हो जाऊं, अब ऐसा हो जाऊं, अब आपको चलने फिरने में कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल, अब तो मैं बस बहुत ही कर्म है ऊपर वाले का, बस देखो इंसान तो डॉक्टर लोग भी भगवान ही होते हैं। हाँ फिर भी होते भगवान ही है डॉक्टर लोग। बाकी अभी आपको जैसे आप देख रहे होंगे घर पे इनको, तो अभी बेचैन तो नहीं रहती रात में? नहीं जी नहीं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत? ना ना कोई दिक्कत ना, सब ठीक है ना? बहुत ही बढ़िया साहब, बहुत ही बढ़िया, बस मैं तो कहूँ सब ऐसे ही बढ़िया हूँ, सब ऐसे ही ठीक हूँ। हम तो बताते रहे, मैं तो एक कल को पेशेंट और आने वाले हैं ऐसे ही, वो मुझसे कह रहे थे बोला आज के बाहर जा रहा हूँ, कल को तुम्हारे साथ चलूंगा, चलो जैसे आप परेशान हो, आपने देखा है कि आप जहाँ भी गए तो वहाँ हजारों लोग इस तरह की परेशानी। बहुत 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 परेशान है बेचारे, जिन्हें इलाज ही नहीं मिल पाता, उनसे क्या कहना चाहोगे? इलाज लेना चाहिए, यही लेना चाहिए, यही लेना चाहिए, डॉक्टर के दौरे मत जाओ, वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे वो ऑपरेशन करेंगे, बात वही रहेगी, कोई फायदा नहीं होगा, अब यहाँ से फायदा तो बगैर ऑपरेशन के फायदा हो रहा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है कि अगर सर्जरी की नौबत आ गई है तो कोशिश पहले ये है कि पहले आपकी ट्राई कर लो, उम्मीद है कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। क्योंकि ये लोग अगर डायरेक्ट ऑपरेशन करा लें तो वो उनका अपना मेथड है। हाँ। कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते। हाँ। लेकिन अगर बिना ऑपरेशन के हो सकता है तो पहले वो ट्राई करो, अगर यहाँ नहीं होता है तो पेशेंट को ऑपरेशन कराना चाहिए। हाँ। डायरेक्ट ऑपरेशन में नहीं जाना चाहिए, हमारा सजेशन ये है। डॉक्टर साहब हमने ज्यादातर यही सुना कि ऑपरेशन में आदमी कामयाब सक्षित नहीं हो पाता, मतलब 100 में 2 हो ही जाओ पर सक्षित नहीं हो पाता, इसलिए इसने हमें ये सही है, ये बहुत ही बढ़िया इलाज जो हम ट्रीटमेंट करते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं जी? परेशानी नहीं, आसानी है, आसानी है।
और हर दिन अच्छा लगता है। हर दिन जैसे आज कुछ है तो कल कुछ और अच्छा है, परसों कुछ और अच्छा है, दिन पे दिन फिर थी सुधार ही होने पे है। जब जिस दिन से आए, दिन से आया था मैं तो बिल्कुल ऐसे करके आया था, बिल्कुल ऐसे करके आया था। आज दोनों आई थी, दुआ ऊपर वाले की है, बस ये बहुत ही सही है साहब, बस सभी को ऐसा हो, सब सही हो। अभी सर का ट्रीटमेंट चल रहा है, नो सेटिंग हमने लगभग कर ली, 8 बार आ गया अपना। जी हाँ, अभी कंप्लीट ट्रीटमेंट करने, अभी हम कंप्लीट ट्रीटमेंट करने के बाद इनका रिपीट वीडियो बनाएंगे, उसमें देखना कि ये बिल्कुल फिट होकर जाएंगे बिना किसी सर्जरी के। और अगली वीडियो में हम आपको इनका MRI भी दिखाएंगे। अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है, आप भी लंबे टाइम से दवाई खा रहे हैं, या डॉक्टर्स ने बोला कि आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं। उम्मीद है कि आप भी बिना किसी सर्जरी के बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।